गांव के निवासी आए हैं, आदरणीय हमारे जो अमर सिंह दा हैं, हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, इनके द्वारा 35 साल से परमारखेड़ी में एक चाय की दुकान का संचालन इनकी निजी भूमि पर किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इनको परेशान करने के उद्देश्य से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का कहना है कि जो व्यक्ति 12 साल से जिस जगह पे काबिज है उस जगह का उनको पट्टा दिया जाएगा। जब अमर सिंह दा उस जगह पे 35 साल से काबिज है और हमारे सामने कई बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 63 से 70 साल है, उनका कहना है कि अमर सिंह जी की दुकान वहाँ पे विगत 35-40 सालों से लग रही है, तो प्रशासन लगातार इनको नोटिस देकर कहना क्या चाहता है। आज आप शहरी क्षेत्रों में देख लो, शहरी क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन उन बड़े लोगों के अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र पे जहाँ पे कोई आवागमन में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, वहाँ पे नोटिस देकर 10-10 पुलिस वाले ले जाते हैं, तहसीलदार साहब चल जाते हैं, SDM साहब चल जाते हैं, पटवारी सचिव चल जाते हैं छोटे से अतिक्रमण के लिए। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है, साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कहना है कि भोले भाले ग्रामीण जनों को प्रशासन लगातार परेशान कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो जो शहरी क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, सबसे पहले वहाँ शुरुआत की जाए। इनकी जहाँ पे दुकान है, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप मौके पर जाकर देख सकते हैं कि इनकी जहाँ पर दुकान है वहाँ पे आवागमन की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको परेशान करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और प्रशासन की दोगली और दोहरी नीति को दर्शाता है। आज हमने प्रशासन को, तहसीलदार मैडम को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि उस जगह का वापिस मौका मुआयना किया जाए, और अगर शिवराज सिंह जी चौहान की प्रशासन पे पकड़ है तो मैं जनप्रतिनिधियों से और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका कहना है कि 12 साल से जो जहाँ पर काबिज है वो जगह का पट्टा दिया जाएगा, तो ये तो 35 साल से काबिज है, इनको तो बगैर सोचे समझे पट्टा दे दिया जाना चाहिए। अगर इनका अतिक्रमण हटाया जाता है तो हम सारे ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।